एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश का बहराइच और सीतापुर जनपद में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से देश भर में चर्चा का विषय बना है, वहीं आदमखोर भेड़ियों के आतंक से पूरा बहराइच सीतापुर जिला डरा सहमा है। दूसरी तरफ महाराजगंज जनपद में भी खूंखार तेंदुए के आतंक साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, जिसके चलते लोग दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं। खूंखार तेंदुए से अपने आप को बचाने के लिए ग्रामीण रात भर झुंड और समूह में लाठी डंडों के साथ जागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दिन में भी कुछ इसी तरीके का माहौल नजर आया। महाराजगंज जनपद के सोहगी बरवा जंगल से सटे नौतनवा थाना क्षेत्र स्थित रामनगर गांव में आदमखोर तेंदुओं ने बीते दिनों जहां खेत में काम करने वाले किसान पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद ही आदमखोर तेंदुआ बार बार गांव के पास पहुंच रहा है, जिसके दहाड़ से पूरा गांव डरा सहमा है। गांव वालों का कहना है पहले सब ठीक था, लेकिन जिस तरह बहराइच और सीतापुर में बीते 10-15 दिनों से आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा, उसके बाद से ही जंगल के साढ़े गांव में लोग भी भयभीत हो गए, डरे सहमे नजर आ रहे हैं। रात के करीब 2 बजे जहां पर तेंदुआ निकला था, वहीं पहुंचा तो देखा कि लोग तेंदुए से डर से रात रात भर जाग रहे, लोग सो नहीं पाते, लाठी डंडों से अपनी जान माल की सुरक्षा करते नजर आते हैं। महाराजगंज से दैनिक भास्कर के लिए रोहित कन्नौज, जैक रिपोर्ट।